हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। डी एस इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, वेलकम है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे पास आया एक सीलिंग फ़ैन, जिसको आपके सामने आज हम आपको इस प्रकार के स्टेटर को किस प्रकार से सेट करते हैं, ये सारी जानकारी आज हमारे इस वीडियो पर आप लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे घरों के छतों पर लगने वाला सीलिंग फ़ैन है फ्रेंड्स। तो इसका स्टेटर जल गया था, तो हम एक नया जो मार्केट पर मिलता है वो वाला स्टेटर इस पर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यही चीज़ की जानकारी आज हमारे इस वीडियो पर आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो पर लास्ट तक के बने रहिए। और वीडियो को उसका पुराना वाला स्टेटर, जिसका रनिंग कॉइल पूरा इस प्रकार से जल चुका है, तो हम इसको अब साइड में रख देंगे। हालाँकि इसका रिवाइंडिंग भी करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमें ग्राहक ने ये वाला स्टेटर जो मार्केट पर मिलता है वो लाकर दिया हुआ है। तो हम इसको आज इस पंखे पर इंस्टॉल करेंगे और पूरा कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक के फ्रेंड्स। तो मैं अभी आपको पूरा नॉलेज देता हूँ, इसका सर्विसिंग किस प्रकार से होता है ये सारी जानकारी हम देने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक के बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बैरिंग को देख लेना है। यहाँ पर जो हमारा 6201 वाला बैरिंग लगता है, ये छोटा बैरिंग, इसको देख लेना है ये फ्री है कि नहीं। तो अगर ये फ्री नहीं रहेगा, ख़राब रहेगा, तो इसको चेंज कर देना है। लेकिन ये मेरे पंखे पर ये फ्री घूम रहा है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम इसे ऑयल कर देंगे। और इसका स्पेयर पार्ट से यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये देख सकते हैं, ये कंडेंसर वगैरह है और यह इसका स्क्रू है। तो हम इसे सबसे पहले अच्छे से साफ कर लेंगे, उसके बाद हम सेट करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं बैरिंग को। यहाँ पर कोई धूल मिट्टी ना रहा हो तो हम एक ब्रश लेंगे और इसे बैरिंग को अच्छे से इस प्रकार से साफ़ सफाई कर लेना है फ्रेंड्स। जितना अच्छा हमारा सामान साफ़ सफाई से रहेगा, उतना अच्छा इस पर रिस्पॉन्स आएगा, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो यही चीज़ है। तो दोस्तों, अब हम इस स्टेटर को लगाएंगे इस वाले बॉडी पर फ्रेंड्स। तो देखिए, एक चीज़ की नॉलेज और देता हूँ फ्रेंड्स, जब भी आप मार्केट से इस प्रकार के 14 स्लॉट वाला स्टेटर लें तो हमेशा कॉपर का ही लें। एल्युमिनियम का लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाता है। एक बार ख़राब हो जाने पर रिपेयरिंग नहीं होता फ्रेंड्स। और ये इस प्रकार से है, तो अगर ये कहीं ख़राब हो गया तो ये एक बार तांबे वाला रिपेयरिंग हो जाता है, लेकिन एल्युमिनियम का रिपेयरिंग नहीं होता है। तो मेरा रिक्वायरमेंट यही रहेगा कि हमें जब भी पंखे पर नया स्टेटर लगाते हैं तो कॉपर में ही लगाना चाहिए। कॉपर थोड़ा कॉस्टली होता है और एल्युमिनियम थोड़ा हल्के में मिल जाता है फ्रेंड्स। तो हमारे इधर ये तकरीबन 350 के आसपास मिल रहा है, आपके इधर कितने पर मिल रहा है वो कमेंट कर हमें बताना फ्रेंड्स। तो हम जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें स्टेटर पर सबसे पहले बैरिंग को लगाना है। यहाँ पर जो 6201 बैरिंग लगता है उसको हमें यहाँ पर लगाना है। तो मैं सारे सामान को हटा लेता हूँ, यहाँ से जगह खाली कर लेते हैं। तो देखिए, तो फ्रेंड्स मैं ले लेता हूँ और ये देख सकते हैं, ये स्प्रिंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारे जो स्टेटर है उसको उठा कर रख दिया है। अगर ये इस वाले स्प्रिंग को नहीं लगाएंगे तो ये पूरा बैठ जाएगा। अभी इसका यूज मैं अभी आपको वीडियो के आगे दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं, ये इस प्रकार से पीछे का हिस्सा है फ्रेंड्स। तो हमें इसे इस प्रकार से बैठा देना है। देखिए, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, इसे आप घुमाए ना, संभाल कर रखें। तो देखिए, ये देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारा ये लग जाता है फ्रेंड्स। हम इसे हल्के से पंच मार देते हैं, जो कि इस प्लास से। तो ये देखिए, अच्छे से हमारा ये फिट हो गया। ये इस प्रकार से फ्री होना चाहिए। ये देख लीजिए, कहीं से हमारा बैंड थोड़ी है। तो दोस्तों, यही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो अब इसका आर्मेचर को लगाएंगे। तो ये इसका मैग्नेट पत्ती को लगाएंगे फ्रेंड्स। देख सकते हैं, ये मैग्नेट पत्ती, इसको हम इस प्रकार से इसको इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से हमारा
पंखा को सेट करना होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा गैप हुआ है, तो हम इसको स्टेटर को खींचेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से। मैग्नेट पत्ती अंदर दबेगा क्योंकि हमारा ये देख सकते हैं स्टेटर का ये हिस्सा है और जो मैग्नेट पत्ती का जो ये हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर, तो वहाँ हमारा फिक्स होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमें इस प्रकार से स्टेटर को फ्री घुमाकर देख लेना है, तभी हमारा जाकर ये सेट होगा। तो ये हमारा थोड़ा जाम हो रहा है फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी से इसको सेट कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम स्टेटर को मैग्नेट पत्ती पर इस प्रकार से सेट कर दिए हैं, जो कि अच्छे से सेट हो गया है फ्रेंड्स। ये इस प्रकार से फ्री घूमना चाहिए। तो ये अभी हमारे ऊपर का जब ये हिस्सा ये वाला बॉडी लगेगा तो फ्री घूमेगा फ्रेंड्स। तो हमें इस पर बैरिंग लगाना है। तो देखिए यहाँ पर बैरिंग लगेगा, ये 6502 का बैरिंग है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ इस प्रकार से इसको लगा देना है। तो मैं अभी आपको लगा देता हूँ फ्रेंड्स, लगा कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से बैठ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आप एक काम कीजिए, यहाँ ना बैठा कर यहाँ बैठा दीजिए यहाँ पर दोस्तों, तो इसे बड़ा ही आसानी से बैठ जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा इस प्रकार से ठोकना पड़ेगा, तो मैं अभी दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से हमें बैठा देना है फ्रेंड्स। देखिए मैं अभी और इसको ठोंक कर पूरा बैठा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे फिर हम। दोस्तों हमारे वीडियो पर लास्ट तक के बने रहिए, फुल आपको नॉलेज फुल वीडियो रहेगा। अगर आप एक टेक्नीशियन नहीं है, मिस्त्री नहीं है, तो भी से आप हमारा वीडियो देखकर इस प्रकार का सीलिंग फैन घर पर ही कम से कम रिपेयरिंग कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। तो यही सिखाना हमारा इस चैनल का मकसद है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ करके लास्ट तक के वीडियो पर बने रहिए। तो मैं देखिए बैरिंग को सेट करता हूँ, एक हाथों से बन नहीं रहा है, इसी कारण से मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए, ये हमारा बैरिंग पूरी तरह से बैरिंग सीट पर बैठ चुका है। ये ऊपर का हिस्सा है जो कि यहाँ पर इस प्रकार से जाकर ये फिट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहते हैं तो आप इस प्रकार के छोटे मोटे रिपेयरिंग अपने घर पर ही कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टूल का यूज करके। और बैरिंग वगैरह तो ये सब चेंज करने के लिए आपको शॉप जाना नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप मिस्त्री के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा मेन मकसद है फ्रेंड्स, क्योंकि हम आपका पैसा हर हाल में बचाना चाहते हैं। तो देखिए अब हम इसको बैरिंग को यहाँ पर तो फिट कर दिए, अब हम इसके ऊपर वाले हिस्से को लगाएंगे, उसके बाद पंखे को अच्छे से सेट करके आपको दिखाएंगे और फिर कनेक्शन बताएंगे, फिर जो तीन वायर पर कंडेंसर का कनेक्शन किस प्रकार से होगा। तो ये देखिए दो रेड और एक काला है फ्रेंड्स। तो इस पर रनिंग स्टार्टिंग किस प्रकार से पता करते हैं, ये जानकारी आगे आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पंखे को हम ऊपर पर लगा चुके हैं, ये इसको सेट करना है अभी। ये देखिए इस प्रकार से है, तो हमें करना क्या है, तो यहाँ हल्का हल्का हमें चोट मारना है कुछ किसी चीज़ से, लकड़ी से या फिर इस प्रकार के प्लास से, और इस छेद को भी मिला लेना है फ्रेंड्स, जो कि देख सकते हैं होल यहाँ पर इस प्रकार से ये नट टाइट होगा फ्रेंड्स। तो इसी होल को देख कर हमें पूरा बैठा लेना है। तो मैं इसको सेट करूँगा, तो इसे सेट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ फ्रेंड्स। इस प्रकार का आप पाइप ले लीजिए, इस प्रकार के पाइप, उसको आप यहाँ पर इस प्रकार से डालकर, इस प्रकार से इसे डालकर फ्रेंड्स, देखिए इस प्रकार से डालकर हमें यहाँ पर पंच मारना है, जिससे हमारा ये बॉडी टूटने का भी खतरा नहीं रहता। तो ऐसे ही मैं सेट करता हूँ, और इस छेद को आप बारीकी से देखकर मिला लीजिए कहाँ पर लगेगा, कहीं इस प्रकार से ना हो जाए, बाद में दिक्कत करेगा फिर। तो इस छेद को देखकर ही हमें मिलाना है। अब हम यहाँ पर पंच मारेंगे फिर, उसके बाद पंखा हमारा सेट हो जाएगा। तो मैं जल्दी से इसको सेट कर दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। एक हाथ पर मैं मोबाइल को पकड़ा हूँ, इसी कारण से मुझे बन नहीं रहा है, तो वीडियो को थोड़ा थोड़ा स्किप करना पड़ रहा है। लेकिन आपको हम जेन्युइन तरीका यही बताते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कोई नहीं बताता। तो आप वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो मैं देखिए आपको पंच मार कर दिखा देता हूँ।
तो इस प्रकार से हमें पंच मारना है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं ये पूरा चिपक गया है। ये इस प्रकार से पाइप का उपयोग करके बड़े आसानी से हमारा ये पंखा सेट हो गया है। तो हम इसको अब इस नट बोल्ट को टाइट करेंगे, इसके स्क्रू को टाइट करेंगे, उसके बाद इसको घुमाकर देखेंगे। ये अभी घूम नहीं रहा है क्योंकि अभी हमें और सेट करना बाकी है फ्रेंड्स। तो मैं जल्दी से इसको नट बोल्ट टाइट करके सेट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पंखा पूरा सेट हो चुका है, जो कि ये इस प्रकार से है और ये फ्री घूम रहा है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमें घुमाकर देख लेना है, ये फ्री होना चाहिए। तो दोस्तों मैं पूरा सेट कर चुका हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल भी कर देता हूँ क्योंकि हमारा बैरिंग तो सही है लेकिन पुराना अपने तरफ से है, तो हम इस पर ऑयल कर देते हैं। तो इस प्रकार से फ्री हो गया है फ्रेंड्स और हमारा ये अच्छे से घूम रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम घर पर ही स्टेटर लगा सकते हैं। हमारे जो घरों में पंखा यूज होता है उस पर हमें कोई मिस्त्री पास ले जाने की ज़रूरत नहीं रहता, बैरिंग वगैरह सब चीज़ हम घर पर ही चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम पूरा इस प्रकार से सेट कर दिए हैं। तो दोस्तों अब हम इसको चेक करेंगे और हम कंडेंसर का कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं ये चीज़ की जानकारी मैं दूंगा, तो आप वीडियो पर बने रहिए। तो मैं कूलर लगाकर इस प्रकार से हम चेक करते हैं फ्रेंड्स। आप जब भी कूलर मोटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो के पास सीरीज बोर्ड होना ज़रूरी है। सीरीज पर ही हमें सभी काम करना पड़ता है क्योंकि सीरीज से काम करने पर हमें सेफ्टी प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो देखिए हम सीरीज पर इसको लगा चुके हैं, यहाँ इस प्रकार से स्पार्क आप देख लीजिए। अब ये सीरीज का कनेक्शन है तो हमें चेक कर लेना है फ्रेंड्स इस प्रकार से। तो अभी मैं अभी अच्छे से दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। तो दोस्तों काला वाला वायर हमारा कॉमन है, तो ये देखिए यहाँ हमारा आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। एक बार बॉडी करंट भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमें बॉडी करंट का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि छत वाले घरों में छड़ पर लगा होता है तो कहीं करंट ना लग जाए, मिस्त्री पर किसी प्रकार से समस्या नहीं होना चाहिए या घर वाले जो भी ग्राहक हैं उनको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, तो इसी कारण से हमें बॉडी करंट देखना होता है। तो ये हमारा ओके है फ्रेंड्स, हम इसको चेक कर लिए। हम इसे इस प्रकार से घुमाकर भी देख लेंगे दोस्तों। अगर हमारा ये पंखा अगर फ्री नहीं होता है तो हमें हल्का हल्का यहाँ पर इस प्रकार से चोट करना होता है, मारना होता है, इस प्रकार से ठोंकते हैं तो हमारा पंखा सेट हो जाता है। तो इसके क्लैंप को लगाता हूँ मैं, हमारा पंखा तो सेट हो गया। तो देखिए क्लैंप को हम यहाँ पर लगाकर कंडेंसर का कनेक्शन करना आपको बताएंगे। तो देखिए किया क्लैंप को टाइट फ्रेंड, अच्छे से टाइट कर देता हूँ और हम कंडेंसर को भी चेक कर लेंगे क्योंकि कंडेंसर भी खराबी हो सकता है क्योंकि ये पुराना वाला कंडेंसर है। मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा फ्रेंड्स, आप जब भी नया स्टेटर लगाएं तो नया कंडेंसर लगा दें ताकि बाद पर पंखे को देखना ना पड़े, खराबी कंडेंसर की वजह से ना आए। तो मेरा रिक्वायरमेंट यही रहेगा कि आप नया कंडेंसर डाल दें, लेकिन मेरे पास अभी कंडेंसर उपलब्ध नहीं है, स्टॉक पर ख़त्म हो गया है, तो हम पुराने का ही यूज कर लेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले लाइन से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे स्पार्क में है। तो कंडेंसर को लगाते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस प्रकार से लगेगा ये, तो इसका कनेक्शन इस प्रकार से होगा, मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। तो हमारा जो ये रेड रेड वाला वायर आप जो देख रहे हैं ये हमारा इसमें से एक रनिंग और एक स्टार्टिंग है और ये कॉमन है फ्रेंड्स। जो रनिंग स्टार्टिंग मिलकर आपस में कॉमन बनता है उसको हम काला वायर बनाए हुए हैं और ये हमारा रनिंग और स्टार्टिंग है। तो हम रनिंग और स्टार्टिंग पर कंडेंसर के दोनों तार को जोड़ देते हैं, अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये देखिए पीला पीला वायर, पीला वायर हमारा कंडेंसर का तार है, इसको हम रनिंग और स्टार्टिंग पर जोड़ देते हैं इस प्रकार से, और ये काला वाला हमारा
कॉमन वायर है फ्रेंड्स। तो देखिए गाइस, फाइनली हम पंखे पर कंडेंसर का सारे कनेक्शन कर चुके हैं। ये देख सकते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग के तार को कंडेंसर के साथ जोड़ चुके हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। और ये काला वाला हमारा जो कॉमन वाला वायर है। तो अब हम आपको रनिंग स्टार्टिंग पता करना सिखाएंगे फ्रेंड्स, कि रनिंग स्टार्टिंग पता करना कैसे होता है। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि हम सीरीज वायर के एक वायर को हम जो कॉमन और लाल वाले किसी में भी, इन दोनों में से किसी में भी टच कर देखेंगे तो हमारा पंखा इस प्रकार से एंटी क्लॉक वाइज घूमना चाहिए फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला स्टेटर इस प्रकार से एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा तो हमारा वही वाला तार रनिंग का तार होगा, और इस प्रकार से क्लॉक वाइज जो घूमेगा वो स्टार्टिंग का होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सीरीज वायर को हमने इस प्रकार से ले लिए हैं, यहाँ देखिए इस प्रकार से स्पार्क हो रहा है। ये हमारा सीरीज वाला वायर है। तो एक तार हमें कॉमन पर देना है और दूसरा तार हमें दोनों में से किसी को भी टच करके देखना है। अभी तो हमें पता नहीं है कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग है। तो देखिए इस प्रकार से पता करते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमें टच करने पर इधर की ओर ये पंखा जा रहा है, और हम इसको टच करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, ये देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम जब टच कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, ये देख सकते हैं। ये तो ये हमारा रनिंग का वायर है फ्रेंड्स। तो रनिंग का वायर ये वाला है हमारा, तो हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए ये क्लैम का ये तीन वाला पिन है, जो तीन पिन है उसमें से ये रनिंग वाला वायर है, क्योंकि हम कॉमन और रनिंग पर जब करंट दिए थे तो इस प्रकार से घूमा था। तो हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। तो मैं अभी जोड़ कर दिखाता हूँ। तो हमें यहाँ पर जोड़ना है, ये हमारा रनिंग का है, ये स्टार्टिंग का है। तो स्टार्टिंग वाला वायर बीच में हो जाएगा, रनिंग वाला यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये देख सकते हैं, हम पंखे का कनेक्शन कंडेंसर का कनेक्शन कर दिए हैं, पंखे में कंडेंसर का कनेक्शन। तो ये कॉमन है, ये स्टार्टिंग, ये रनिंग। तो ये इस प्रकार से है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसको आपको चला कर दिखाते हैं। तो चलाकर दिखाने से पहले हम सीरीज के वायर को इस पर जोड़ लेते हैं। तो देखिए मैं जल्दी से जोड़ता हूँ। तो ये देख लीजिए दोस्तों, हम लाइन के तार को भी जोड़ चुके हैं। ये इस प्रकार से हम लाइन देंगे यहाँ से, ये हम सीरीज पर लगाएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे। और देखिए ये इस प्रकार से हमारा कुछ कनेक्शन है। तो अभी मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ फ्रेंड्स को, मैं उठा लूँगा इस प्रकार से। तो देखिए, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पंखा अच्छे से घूम रहा है, मस्त स्पीड है फ्रेंड्स इसमें। तो इस प्रकार से हमारा कनेक्शन होता है। देखिए पंखा किस डायरेक्शन पर घूम रहा है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमें इसका कनेक्शन करना होता है। देखिए इस प्रकार से हमारा पंखा घूमेगा क्लॉक वाइज। जब हम स्टेटर से चेक करेंगे तो ये एंटी क्लॉक वाइज इस प्रकार से घूमता है। तो इसी प्रकार से हमें कनेक्शन करना है। तो और जब हम इसको ऊपर फिट करेंगे तो ये इस प्रकार से घूमेगा, या इस प्रकार से घूमेगा तो ये नीचे का हिस्सा इस प्रकार से घूमेगा, यही हमारा सीधा है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमारा पंखे का कनेक्शन हो जाता है कंप्लीट। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बस। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।